नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत सी ऐसी समस्या आती है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी अभी जो नया नया ब्लॉग शुरू किया है उसमें अप्रूवल लेने के बाद एक जगह होती है जहाँ पर लिखा रहता है साइट्स के ऑप्शन में, जो हमारा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एड्स डॉट टेक्स्ट का स्टेटस है दोस्तों। कभी कभी जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा आता है, क्योंकि ये कैटेगरी है। आप यहाँ पर एक बार ये कैटेगरी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉट फाउंड। होता क्या है, जब ये क्रॉल करता है दोस्तों, गूगल चेक करता है आपकी वेबसाइट को लास्ट लेटेस्ट, तो उनको जो है ये फाइल शो नहीं होती है, तो वहाँ लिखा आ जाता है नॉट फाउंड, नो एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल वॉज फाउंड वेन द साइट वॉज लास्ट स्क्रॉल। दोस्तों यहाँ पर जो इसका मेन स्टेटस होता है वो है ऑथराइज्ड, यहाँ होता है योर पब्लिशर आईडी वॉज फाउंड इन द साइट्स एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल जो है अपने ब्लॉगर पर जाकर लगानी होती है। उसके काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप लोगों ने उसको लगाई भी होगी, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर नॉट फाउंड लिखाई जो है दिख रहा है लिखा हुआ, जैसा कि मेरा ऑथोराइज आपको दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो आपका ये लिंक दे रखा होता है technologywithvivek.com, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रेडी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए दोस्तों, ये जो लास्ट स्क्रॉल्ड है ये अकॉर्डिंग टू उनकी एल्गोरिथम क्रॉलिंग करता है, टाइम टाइम पर ऑटोमेटिकली करता है दोस्तों। और आपके में जब यहाँ पर लिखा होगा नॉट फाउंड, तो आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कुछ सेकेंड टाइम लेगा और इसको मैनुअली यहाँ से जो है एक बार क्रॉल करेगा, और आपका एड्स डॉट टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा, और लिखा आएगा इस तरीके से एड्स डॉट टेक्स्ट डिटेक्टेड। दोस्तों ये जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक ये नहीं आता है तो ऊपर एक मैसेज शो हो रहा होता है, यहाँ पर लिखा आ रहा होता है कि अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा आपके रेवेन्यू सिस्टम पर, आपके रेवेन्यू का जो जनरेशन होगा दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत कुछ चार्जेस जो भी लेस होते हों। क्योंकि देखिए नीचे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि एड सेटिंग हमारे द्वारा कंट्रोल की जा रही है, एड्स डॉट टेक्स्ट जो है हमारे द्वारा कंट्रोल किया गया है, और रेवेन्यू जो दिया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, 100% जो रेवेन्यू होगा वो आपका होगा, जिसकी वेबसाइट है जिसका ब्लॉग है उसका होगा, ब्लॉगर यहाँ से 0% रेवेन्यू लेकर जाएगा, तो यहाँ साफ साफ लिखा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एड्स डॉट टेक्स्ट को जो है यहाँ से क्लियर करना, और इस तरीके का स्टेटस मेंटेन करना जहाँ पर लिखा है दोस्तों ऑथराइज्ड। तो ये एक सिंपल सा वीडियो था उन लोगों को बताने के लिए कि नॉट फाउंड कोई भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये मैसेज तब तक आता है जब तक वो ऑटोमेटिकली उसको क्रॉल ना करे, या मैनुअली जैसा मैंने आपको बताया वैसा चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर आप भी कर सकते हैं, और ये नॉट फाउंड को आप ऑथराइज्ड में बदल सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं कुछ गूगल एडसेंस के नए वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ, जिनमें जो अभी लेटेस्ट मेरा कह सकते हैं एक्सपीरियंस रहा है वो मैं वीडियो बाई वीडियो शेयर करता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।